नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल अटैचमेंट पर। और इस वीडियो में हम सैमसंग 4 सीरीज T4310 32 इंच स्मार्ट HD टीवी 2020 मॉडल की रिव्यू करने वाले हैं। और इस मॉडल पे 32 इंच साइज अवेलेबल है। और दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो में टीवी के बॉक्स कंटेंट के बारे में बात करने वाले हैं, और फिर डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स डिटेल्स, टीवी स्पेसिफिकेशंस, मेनू सेटिंग्स, टीवी ऑडियो वीडियो फीचर्स और साथ ही ऑडियो वीडियो चेक करके दिखाने वाले हैं, और इनमें इस टीवी की प्राइस भी आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। तो चलिए टीवी रिव्यू शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस टीवी के बॉक्स कंटेंट देखते हैं। तो इस टीवी को पावर सोर्स से कनेक्ट करने के लिए एसी इनपुट वायर, एक नॉर्मल रिमोट कंट्रोल जिसपे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और Z5 एप्लीकेशन के शॉर्टकट बटन मिल जाते हैं, दो AAA बैटरी इसी रिमोट के लिए, और ग्लॉसी ब्लैक कलर के दो टेबल स्टैंड केस मिल जाते हैं। इस टेबल स्टैंड को टीवी में शामिल करने के लिए कुछ स्क्रू भी मिल जाते हैं। 3.5mm जैक में ऑडियो वीडियो इनपुट कनेक्टर और साथ ही एंटीना मेल फीमेल कनेक्टर भी मिल जाता है। दोस्तों, यहाँ पे यूज़र मैनुअल, वारंटी कार्ड, कनेक्टिविटी गाइड और क्विक सेटअप गाइड जैसे पेपर वर्क भी मिल जाते हैं। दोस्तों, इस टीवी के फ्रंट में VA पैनल की डिस्प्ले, साइड में डेमो स्टिकर और स्टिकर में टीवी के मॉडल और कुछ फीचर्स को हाईलाइट किया हुआ है। ग्लॉसी ब्लैक कलर में इस टीवी के प्लास्टिक स्ट्रीम बेजल्स देख सकते हैं। नीचे सेंटर में सैमसंग की ब्रांडिंग लोगो भी देख सकते हैं। वीडियो पॉज करके यहाँ भी रीड कर सकते हैं। दोस्तों, आप टीवी के डिज़ाइन के बारे में बात करें तो काफ़ी सिंपल सा डिज़ाइन देखने को मिलता है। ग्लॉसी ब्लैक कलर में टीवी के प्लास्टिक स्लिम बेजल्स और स्टैंड देख सकते हैं। प्लास्टिक और मेटल के कॉम्बिनेशन में टीवी की बिल्ड क्वालिटी मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। दोस्तों, सेंटर में सैमसंग की ब्रांडिंग, मॉडल कोड, वर्जन नंबर और सेल नंबर भी देख सकते हैं। यहाँ पे हम ये 4 बोल्ट भी देख सकते हैं, और इसी बोल्ट से इस टीवी को वॉल में फिक्स किया जा सकता है। टीवी परचेस करने के बाद फ्री वॉल माउंटिंग डेमो इंस्टॉलेशन के लिए सैमसंग कस्टमर केयर नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे इन दोनों जगह में टेबल स्टैंड को फिक्स कर सकते हैं। इस टीवी में 20 वॉट के दो नॉर्मल स्पीकर्स एक अच्छे साउंड क्वालिटी के लिए मिल जाता है। यहाँ पे पावर बटन मिल जाता है, और इसी पावर बटन से मेनू सेटिंग्स, अप एंड डाउन और वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। इस टीवी को रिमोट से कंट्रोल करने के लिए एक सेंसर पावर बटन के पास में मिल जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट हमें टीवी इनपुट आउटपुट पोर्ट्स डिटेल्स देखते हैं। यहाँ से एसी इनपुट वायर को कनेक्ट करके इस टीवी को पावर सोर्स से कनेक्ट करते हैं। दूसरे साइड में 5 वोल्ट 0.5 एम्पीयर के USB 2.0 इनपुट में 32GB तक की पेन ड्राइव और 256 से 500GB तक की हार्ड डिस्क कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही इसी USB इनपुट से मोबाइल नेटवर्क, डोंगल, माउस, कीबोर्ड भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दिक्कत की बात यह है कि इसमें इतने सारे कनेक्टिविटी करने के लिए सिर्फ एक ही USB इनपुट पोर्ट मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाई डेफिनेशन डिवाइस जैसे HD DVB सेट टॉप बॉक्स, PS गेमिंग डिवाइस, NVR DVR और कंप्यूटर लैपटॉप को कनेक्ट करने के लिए दो HDMI इनपुट पोर्ट भी मिल जाता है। इसी HDMI इनपुट पोर्ट से एंड्रॉइड डिवाइस भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे साउंड सिस्टम कनेक्ट करने के लिए HDMI 2 से ARC ऑडियो आउटपुट और ऑप्टिकल ऑडियो आउटपुट पोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे 3.5mm ऑडियो आउटपुट जैक नहीं दिया गया है। इसका मतलब आपके पास एक ऐसा साउंड सिस्टम होम थिएटर होना चाहिए जिसमें HDMI ARC ऑडियो इनपुट या ऑप्टिकल ऑडियो इनपुट पोर्ट दिया हो, तभी आप इसमें साउंड सिस्टम कनेक्ट कर सकते हैं। ब्लूटूथ से साउंड सिस्टम कनेक्ट कर सकते थे, बट इस टीवी में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी नहीं दिया गया है। इस टीवी में इंटरनेट डाटा कनेक्टिविटी के लिए इथरनेट लैंड इनपुट मिल जाता है, साथ ही एंटीना इनपुट और स्टैंडर्ड डेफिनेशन डिवाइस DVB सेट टॉप बॉक्स, DTH और DVD जैसे डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए 3.5mm जैक में ऑडियो वीडियो इनपुट मिल जाता है। दोस्तों, इस टीवी को पावर सोर्स से कनेक्ट कर दिया है, साथ ही USB इनपुट में पेन ड्राइव भी कनेक्ट कर दिया है। इससे हम इस टीवी की ऑडियो वीडियो क्वालिटी चेक करने वाले हैं। यहाँ पे इस टीवी का रिमोट देख सकते हैं, नीचे सैमसंग की ब्रांडिंग और रिमोट के मॉडल कोड भी देख सकते हैं। दोस्तों, इस टीवी का यह नॉर्मल रिमोट कंट्रोल है, सेंटर में होम बटन और साथ में नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो,
और Z5 ऐप के शॉर्टकट बटन मिल जाते हैं। बाकी सारे बटन नॉर्मल टीवी रिमोट की तरह सेम है। रिमोट के ऊपर में पावर और सोर्स बटन दिया है। इस रिमोट में कहीं पे भी माइक ऑप्शंस नहीं मिलता क्योंकि इस टीवी में गूगल एलेक्सा असिस्टेंट नहीं दिए गए हैं। तो दोस्तों चलिए इस पावर बटन से हम इस टीवी को ऑन करते हैं। स्मार्ट टीवी पावर्ड बाय टाइजन का लोगो यहाँ पे देख सकते हैं। इस टीवी का ऑपरेटिंग सिस्टम टाइजन है और इसलिए स्टार्टिंग में पावर्ड बाय टाइजन का लोगो देखने को मिला। दोस्तों इस स्टार्टअप सेटअप कंप्लीट करके सीधे इस टीवी के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इस टीवी का ऑपरेटिंग सिस्टम टाइजन है और यह स्मार्ट टीवी है, तो इस टीवी में स्क्रीन मिररिंग दिया है। इससे आप अपने स्मार्टफोन का स्क्रीन इस टीवी में देख सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन मिररिंग से आपके कंप्यूटर लैपटॉप का स्क्रीन भी इस टीवी में मिररिंग कर सकते हैं। इससे इस टीवी को आप पर्सनल कंप्यूटर की तरह यूज कर सकते हैं। टीवी में एयरप्ले भी दिया है, इससे आईफोन आईपैड का स्क्रीन मिररिंग कर सकते हैं। दोस्तों यह टीवी स्मार्ट थिंग ऐप को सपोर्ट करता है, तो इससे आपके सैमसंग के स्मार्टफोन से इस टीवी में लाइव कास्ट कर सकते हैं। उस सैमसंग के फोन से टीवी रिमोट एक्सेस के जरिए इस टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों स्मार्टफोन से इस टीवी में फाइल ट्रांसफर करने के लिए वाईफाई डायरेक्ट दिया है। इंटरनेट डाटा कनेक्टिविटी के लिए इस टीवी में वाईफाई, इथरनेट लाइन इनपुट और यूएसबी इनपुट से इस टीवी में मोबाइल नेटवर्क डोंगल कनेक्ट करके 3G 4G का इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों इस टीवी में प्रीलोडेड एप्स नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, Z5, एप्पल टीवी, यूट्यूब गैलरी, इंटरनेट वेब ब्राउजर, सैमसंग प्रमोशन ऐप, ट्यून स्टेशन और म्यूजिक ऐप जैसे एप्स मिल जाते हैं। इनके अलावा अदर एप्स इंस्टॉल करने के लिए इस टीवी में कंटेंट स्टोर मिल जाता है। यहाँ से इस टीवी में जितने भी सपोर्टेड एप्स हैं वो मिल जाते हैं। हॉटस्टार ऐप भी आप यहीं से इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इस टीवी की मेनू सेटिंग्स के बारे में। तो टीवी रिमोट के सेटिंग बटन या होम स्क्रीन बटन से इस टीवी के मेनू सेटिंग्स को ओपन कर सकते हैं। यहाँ मेनू सेटिंग में पिक्चर, साउंड, ब्रॉडकास्टिंग, जनरल सपोर्ट और टर्म्स एंड प्राइवेसी जैसे सेटिंग और इन्फॉर्मेशन ऑप्शंस मिल जाते हैं। पिक्चर सेटिंग में पिक्चर मोड, स्टैंडर्ड, नेचुरल मूवी और डायनेमिक पिक्चर मोड मिल जाता है। नीचे पिक्चर साइज में एस्पेक्ट रेशियो चेंज कर सकते हैं। एक्सपर्ट सेटिंग में ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, शार्पनेस, कलर, टिन और अदर पिक्चर सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इस टीवी की साउंड सेटिंग्स की। तो साउंड आउटपुट में टीवी स्पीकर्स और ऑप्टिकल साउंड आउटपुट मिल जाता है। दोस्तों अगर इस टीवी में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दिया होता तो यहाँ पे ब्लूटूथ साउंड आउटपुट ऑप्शन जरूर शो करता, बट इस टीवी में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं दिया गया है। नीचे साउंड मोड में स्टैंडर्ड, ऑप्टिमाइज्ड और एम्पलीफाई साउंड मोड मिल जाते हैं। साउंड मोड को स्टैंडर्ड सेलेक्ट करके नीचे साउंड एक्सपर्ट सेटिंग से इस टीवी के स्पीकर को बैलेंस कर सकते हैं। इक्वलाइजर और अदर टीवी साउंड सेटअप है वो यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों नीचे ब्रॉडकास्टिंग ऑप्शंस में टीवी के एंटीना सेटअप मिल जाता है। आजकल डिजिटल और HD सेटअप बॉक्स आ गए तो इस ऑप्शंस का बहुत कम ही यूज हो पाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जनरल सेटिंग्स में नेटवर्क ऑप्शंस से इस टीवी में इंटरनेट डाटा कनेक्टिविटी करने के लिए ऑप्शंस मिल जाता है। यहां से वाईफाई के थ्रू, इंटरनेट लैन इनपुट के थ्रू और मोबाइल नेटवर्क को चार्जर केबल से इस टीवी में अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करके डोंगल इंटरनेट डाटा कनेक्टिविटी कर सकते हैं। जनरल सेटिंग्स में और आगे सिस्टम मैनेजर, एक्सटर्नल डिवाइस मैनेजर, आईफोन एप्पल एयरप्ले, स्क्रीन मिररिंग सेटिंग्स, इको सॉल्यूशन, एक्सेसिबिलिटी और स्मार्ट फीचर सेटिंग्स ऑप्शंस मिल जाते हैं। टीवी के सभी सेटिंग्स को रीसेट करने के लिए रीसेट ऑप्शंस भी मिल जाता है। दोस्तों सपोर्ट ऑप्शन में सीधे अबाउट दिस टीवी ऑप्शंस को देखते हैं। यहाँ पे इस टीवी के मॉडल कोड, सीरियल नंबर, सॉफ्टवेयर वर्जन, इस टीवी के कुछ और डिटेल्स है वो यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों अब इस टीवी की डिस्प्ले की बात करें तो VA पैनल की 32 इंच स्क्रीन साइज में 1366x768 पिक्सल्स की HD LED स्क्रीन साइज मिल जाता है और यह टीवी VA पैनल के साथ आता है और इस वजह से टीवी स्क्रीन में ज्यादा से ज्यादा ब्राइट लाइट मिल जाता है। इस टीवी के वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और जो वीडियो फीचर्स है उनकी बात करें तो इस टीवी में हाइपररियल का पिक्चर इंजन और पिक्चर क्वालिटी इंडेक्स 900 मिल जाता है और यह फीचर्स लगभग सभी सैमसंग के LED टीवी में देखने को मिलता है। परिणाम स्वरूप हमें अच्छी वीडियो क्वालिटी देखने को मिल जाता है। अल्ट्रापिक्स HDR, कॉन्ट्रास्ट इनहेंसर, प्योर कलर, मेगा कॉन्ट्रास्ट, एनालॉग क्लीन व्यू, अल्ट्रा क्लीन व्यू और डिजिटल क्लीन व्यू जैसे इस टीवी के डिस्प्ले फीचर्स में मिल जाते हैं और इन्हीं सभी फीचर्स की वजह से टीवी
स्क्रीन में अच्छे से कॉन्ट्रास्ट इन्हेंस हो पाते हैं, अच्छे शार्प पिक्चर क्वालिटी और पिक्चर में अच्छे कलर्स देख पाते हैं। दोस्तों साथ ही इस टीवी में 30 FPS की फ्रेम रेट, 60Hz की रिफ्रेश रेट और डिस्प्ले को नमी से प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रिपल प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो चलिए आपको इस टीवी में वीडियो प्ले करके दिखाते हैं। दोस्तों वीडियो चलते हुए आप यहाँ पे देख रहे हैं काफी ज्यादा वीडियो डिटेलिंग, सुपर ब्राइट लाइट, कॉन्ट्रास्ट अच्छे से इनहेंस हो पा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कलर, प्योर कलर देख पा रहे हैं, शार्प पिक्चर क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करने के वो लगभग सभी फीचर्स इस टीवी के पैनल में मिल जाता है, जिससे इस टीवी की वीडियो क्वालिटी हमें बेहतर देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे इस टीवी के ऑडियो फीचर्स, ऑडियो एप्लीकेशन की और उसके बाद ऑडियो क्वालिटी टेस्ट करके दिखाएंगे। तो दोस्तों इस टीवी में म्यूजिक सिस्टम, डॉल्बी डिजिटल प्लस ऑडियो फीचर्स के साथ 20W के दो पावरफुल स्पीकर मिल जाता है। दोस्तों पेन ड्राइव में लोडेड ऑफलाइन MP3 सॉन्ग को प्ले करने के लिए या ऑनलाइन MP3 सॉन्ग को प्ले करने के लिए इस टीवी में ट्यून स्टेशन प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन मिल जाता है। इस एप्लीकेशन के जरिए ऑनलाइन या ऑफलाइन MP3 सॉन्ग्स को प्ले कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में कुछ मजेदार फीचर्स भी दिए गए हैं, जैसे कि इस ऐप के थीम को आप 5 तरीकों से चेंज कर सकते हैं, प्लस इस थीम के मोड को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑडियो मोड को कंसर्ट सेलेक्ट करके अच्छे ऑडियो क्वालिटी का मजा ले सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आप अपने वॉल या टेबल को म्यूजिक सिस्टम की तरह शो कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आखिर में इस टीवी की ऑडियो क्वालिटी चेक कर लेते हैं। ऑडियो क्वालिटी काफी सही है, कहीं पे भी स्पीकर फटने की आवाज नहीं सुनाई दिया, अच्छे क्लियर ऑडियो सुनने को मिला। वॉल्यूम को आप जितना कम रखेंगे उतना ही टीवी स्पीकर के लिए अच्छा रहेगा, बाकी ऑडियो क्वालिटी तो सुपर है ही। तो दोस्तों टीवी की ऑडियो वीडियो क्वालिटी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो के अंत में इस टीवी की वारंटी पॉलिसी के बारे में आपको बता दे, तो 1 साल की यहां पे आपको वारंटी मिल जाता है और टूटने फटने या फिर डिस्प्ले क्रैक होने पर यहां पे आपको वारंटी नहीं मिलता है। वीडियो के अंत में इस टीवी के प्राइस भी आपको बता देना चाहते हैं, तो सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट में इस टीवी का प्राइस 20,290 रुपये दिखा रहा है। दोस्तों अगर आप इस टीवी को बाय करने के लिए सोच रहे हैं तो किसी लोकल स्टोर से आपको कम से कम 1,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ सकते हैं। लॉकडाउन से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला LED टीवी का प्राइस ही है। लॉकडाउन से पहले ऐसे LED टीवी का प्राइस लगभग 15,500 से 16,500 का था और अब का प्राइस आप देख ही सकते हैं। दोस्तों अब उस टॉपिक पे बात करते हैं कि क्या इस टीवी को आपको बाय करना चाहिए या नहीं। तो अगर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, 3.5 mm ऑडियो आउटपुट, जैक, गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा असिस्टेंट जैसे फीचर्स का रिक्वायरमेंट है और अगर आपको लगता है कि यह फीचर्स हमारे टीवी में होना चाहिए तो आपको कोई दूसरा मॉडल सेलेक्ट करना होगा जिनमें यह फीचर्स अवेलेबल हो, और अगर आपको यह फीचर्स रिक्वायर नहीं करता है, आपको एक ऐसा स्मार्ट टीवी चाहिए जिनका ऑडियो वीडियो क्वालिटी सुपर्ब हो, कुछ खास फीचर्स जैसे मोबाइल स्क्रीन मिररिंग हो, वाईफाई इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, ट्यून स्टेशन म्यूजिक जैसे एप्लीकेशन हो, कुछ खास एप्लीकेशन नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, G5, यूट्यूब, हॉटस्टार जैसे एप्स सपोर्टेड हो, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिनके बारे में आपको पहले ही बता दिया गया है। तो इन फीचर्स से आप संतुष्ट हैं तो आप यह टीवी बाय कर सकते हैं। पता है कि इस LED टीवी का प्राइस ज्यादा है, बट इसी टीवी का प्राइस नहीं बल्कि सभी LED टीवी का प्राइस इंक्रीज हुआ है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करते जाएं, शेयर करें अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, फैमिली के साथ, और इस चैनल पे आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करो ऐसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।